हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो अब तक आपने पटवारी की बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। आज ही पटवारी के टॉप 80 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और ये 80 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमने लिए हैं, टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपने जितने अच्छे से तैयारी की है उतने अच्छे से ही इन सभी के आंसर्स देने हैं। पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है, 12 मिनट में 80 क्वेश्चन। तो जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कॉमेंट करके जरूर बता देना। ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज इसलिए है क्योंकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो सके, रिविजन हो सके। इसलिए फटाफट एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, आप लोग शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा ही हम ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है। सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से पढ़ने हैं और आराम से आंसर देना है। तो सूचना के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सूचना अधिकार एक विधि के अधिकार है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। दूसरा कि फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होने वाला है, तो ये कतर में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि सबसे अधिक समय तक भारत का वॉयसराय कौन रहा था। आप साथ साथ में कमेंट करके बताते रहो सारे स्पीड के साथ, क्या हो जाएगा। सबसे लंबे टाइम में कौन रहे थे, लॉर्ड कैनिंग रहे थे। बंगाल विभाजन इन्हीं के टाइम पर हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म जो है वो किस वर्ष की शुरुआत की थी। दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी 1582 के टाइम पर, ठीक है। एकमात्र हिंदू रहे थे बिरबल, जिन्होंने इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि सुमिलित करना है, अलग अलग युद्ध हैं तो सुमिलित कर लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में, तो पहले में 2 आना चाहिए, तो इसमें 2 नहीं है कट, इसमें 2 है, चौथे में भी 2 नहीं है तो चौथा भी कट हो गया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था तो 2 नंबर पर 1 आना चाहिए, तो इसमें 2 में 2 है, इसमें 2 में 1 है, तो ये भी कट हो गया, ठीक है, इसमें भी 2 में 1 है। तीसरा है कि चेसा का युद्ध, चेसा का नहीं, ये चोसा का युद्ध है जो कि 1539 में हुआ था, यानी तीसरे में आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरे में 4 इसी में आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है तो ये भी कट हो जाएगा। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए कन्नौज का और चौसा का ये 2 युद्ध जो है, कन्नौज को बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। विजयनगर दक्षिण भारत का एक राज्य है, आपको याद होगा ये विजयनगर था जिसकी स्थापना हुई थी 1336 के दौरान, और हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी और शुरुआत की थी एक संगमवंश से। संगम एक्चुअल में उनके पिताजी का नाम था, तो संगमवंश की शुरुआत की थी उन्होंने। अगला है कि दिल्ली के सुल्तान जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले भारत में जो जजिया कर लगाया था वो सिंध के क्षेत्र में लगा था। सबसे पहले जो अरबों ने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था जिसने भारत में जजिया कर की शुरुआत की थी, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो डी आपका सही है। इनमें से कौन सा पौष्टिक तत्व है अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, आयोडीन भी जरूरी है, फ्लोरीन नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। अगला कि कार के पीछे वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का दर्पण लगाते हैं, उत्तर दर्पण होता है, एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो बेलारूस पहले स्थान पर है, लेकिन इंपोर्टेंट हमारे यहाँ पर भारत जरूरी है कि भारत कौन से स्थान पर रहा था, तो भारत इसमें 94वें स्थान पर था। नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि सही कौन सा लग रहा है। पहला है कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो पहला सही है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इन्हें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं, क्या दूसरा भी सही है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि 8 मंजिला है, ये गलत है क्योंकि ये 9 मंजिला है। अगला है कि 8वीं मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है, क्या भी ये भी गलत है, तो ये भी गलत है क्योंकि अल्लाह तो 3री मंजिल पर लिखा हुआ है, यानी पहला और दूसरा 2 ही सही है, लेकिन इस क्वेश्चन की ऑप्शन गलत है। अगर मैं इसमें से 4 को कट कर दूं तो 1, 2, 1 और 2, यानी पहले का मैं कट कर देता हूं 3 नंबर, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। याद रखना इसके 2 गलत हैं और 2 सही हैं, क्योंकि 9 मंजिली इमारत है, 3री मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है, टोटल लंबाई इसकी 122 फुट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बटवाड़ा के युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। बटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में, क्या सही है? पहला सही है। यह युद्ध कोटा और जयपुर रियासतों के बीच, जयपुर के ईश्वर सिंह थे इसमें, क्या सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि ईश्वर सिंह नहीं थे इसमें, लड़े थे माधो सिंह, इसमें माधो सिंह लड़े थे। दूसरा गलत है। कोटा और जयपुर रियासतों के बीच में हुआ था, यह भी सही है। और इस युद्ध में कोटा के स्त्रोसाल की जीत हुई थी, ये भी सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वह महिला जिन्होंने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था, किसने किया था? नारायणी देवी वर्मा ने किया था। मेवाड़ प्रजामंडल बना था 24 अप्रैल 1938 को, माणिकलाल वर्मा जी, याद होंगे आपको। तो राइट आंसर आपका सी। गलत जोड़े की पहचान करनी है, यूरेनियम कुराडालिया में सही है, तांबड़ा राजमहल में सही है, गुलाबी संगमर बाबरमल में सही है, और जिप्सम पलाना में, पलाना जिप्सम का नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कि डी गलत है। जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो मुख्य तौर पर जलवायु के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? लांगुरिया एक भक्ति गीत है जो केला देवी से रिलेटेड है। केला देवी जो करौली में जिनका मंदिर है, और करौली के यादवों की कुलदेवी रही है ये। पहली रूठी रानी का महल है अजमेर में आनासागर झील के किनारे पर, तो दूसरा रूठी रानी का महल कहां पर है? दूसरा रूठी रानी का महल है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य है? वालर लोक नृत्य ग्रासिया जनजाति का है, इसको ग्रासिया का घूमर भी कहते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा किसे दी थी? विंडसर महलों की संज्ञा दी थी सिटी प्लेस, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट है कि भू राजस्व को एकत्रित करके तहसील मुख्यालय में जमा करने का दायित्व किसका होता है? भू राजस्व को एकत्रित करने का काम होता है पटवारी का, यानी सी आपका राइट आंसर, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, फटाफट नजर घुमाओ अपनी और बताओ कि शुद्ध कौन सा लग रहा है? तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि शुद्ध है। अगला है कि गे धन अक शब्द का सही संधि बता दीजिए कौन सा है? गे धन अक यानी गायक, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि अट कोना में समास बताना है, अट कोना में, ठीक है। पहला संख्यावाची शब्द किस में आता है? द्विगु समास में, तो आंसर हो जाएगा द्विगु समास, बी आपका सही है। तमस का सही विलोम शब्द बता दीजिए, तमस का सही विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है आलोक, यानी एक आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर नहीं है, अंबू नीर मेघ पुष्प है, सर नहीं, तो सी आपका सही है। अगला है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में पढ़ी जाने वाली अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइनें हैं वो बार कोड कहलाती है। नेक्स्ट है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की एक स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है, यानी एक आपका सही है। अगला है कि कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझती है? डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझने का काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा का सही अवरोही क्रम बता दीजिए। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल और म्यांमार की, यानी राइट आंसर आपका डी, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। अगला कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड लिपन कहलाते हैं। अगला कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं और नगर पालिका से संबंधित है 12वीं, दल बदल से रिलेटेड है 10वीं। अगला कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, एक आपका राइट आंसर। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना आप सभी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम और इसका सुधार कर सकें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? तो आरबीसी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं होता है। भोपाल त्रास्ती निम्नलिखित में से किसके रिसाव की वजह से हुई थी? और ये हुई थी मिथाइल आइसोनाइट की वजह से, यानी एक आपका राइट आंसर। अगला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी रही है? तो आशापूर्णा देवी को पहला पुरस्कार दिया गया था। सम्मिलित करना है, अलग अलग नृत्य हैं, अलग अलग जनजाति के हैं,
तो पहला है कि मादल नृत्य किसका है। मादल होता है ग्रासिया जनजाति का, पहले में सॉरी भील जनजाति का, तो पहले में तीन आना चाहिए, पहले में तीन आना चाहिए। और फिर आता है गेर नृत्य। गेर नृत्य किस जनजाति का है, तो गेर नृत्य नॉर्मली भील जनजाति भी करती है, ठीक है, भील जनजाति भी करती है और ग्रासिया जनजाति भी करती है, मेव जनजाति में होता है, लेकिन मूल रूप से भील जनजाति याद रखना है, ठीक है। तो पहले में चार आना चाहिए, दूसरे में तीन आना चाहिए। और चक्री नृत्य जो होता है, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का होता है, रत्वई नृत्य होता है मेव जनजाति का, यानी पहले में चार आना चाहिए, फिर तीन आना चाहिए, फिर दो आना चाहिए और फिर एक आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पहला ही इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है सरवाड़ में, और सरवाड़ कहां पर है, अजमेर जिले में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय जो है वो अजमेर जिले में है। तो राइट आंसर आपका एक नंबर। नेक्स्ट है कि कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेशों में से कौन सा जोड़ा को सुमेलित नहीं लग रहा है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में डिवाइड किया था, तो गलत कौन सा है, सी डब्ल्यू जी गलत है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान का हिस्सा आता है, थोड़ा बहुत इसमें उत्तरी भूभाग नहीं आता, तो डी हो जाएगा गलत आपका। अगला है कि किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमाल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं, या फिर कह दीजिए कि झेला बावसी मेला किस जनजाति का है, डामोर जनजाति का है, जो डूंगरपुर में ज्यादा रहती है। अगला है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित है, तो राजस्थान सेवा संघ से रिलेटेड है, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, कहां पर, वर्धा में हुई थी, किसने की थी, भूप सिंह ने, यानी विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, ये अंतिम हुआ था दिसंबर 1584 में ये जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में हुआ था, और जगन्नाथ कछुआ की 32 कमों की छतरी मांडलगढ़ में है, आपको याद होगा। चलिए असंगत की पहचान करनी है कि गलत कौन सा है। बीकानेर षड्यंत्र वियोग शहीद बीरबल से संबंधित है। संत सभा गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी। मेयो कॉलेज बम कांड ज्वाला प्रसाद शर्मा जी हैं, और एक ही आंदोलन भोगीलाल पांड्या जी, तो ये गलत हो गया क्योंकि एक ही आंदोलन है मोतीलाल तेजावत जी से संबंधित है। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ था, 1956 में, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है कि विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का जो संविधान है क्या है, शक्ति है, कर्तव्य है, अधिकार है या फिर कर्तव्य है। तो अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का ये अधिकार है, और ये अधिकार उन्हें मिला है संविधान के अनुच्छेद 175 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका है कि किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। 200 की गई थी 1977 में। शुरुआती टाइम की बात करेंगे तो 160 थी, फिर 56 में बढ़ाकर इनको 190 कर दिया गया था, 1977 में बढ़ाकर इनको 200 कर दिया गया था, और वर्तमान में ये संख्या 200 है। अगला है कि ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार की कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प में से मारुत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मारुत यानी वायु का पर्यायवाची शब्द है, डी आपका सही है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, मेरी आत्मा पवित्र है, गलत हो जाएगा। आत्मा पवित्र मेरा है, गलत है। पवित्र मेरा आत्मा है, गलत है। मेरी आत्मा पवित्र है, यानी ये शुद्ध है, तो डी आपका राइट आंसर। एक शब्द है दुर्जन, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, दुर्जन में दुरुपसर्ग है, यानी बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ने का काम करता है, यानी सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है, बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड जो है वो किसका एग्जांपल है, किसका एक उदाहरण है, तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह काम करता है, उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो बी आपका सही है। अगला कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नए दल का गठन किया था, कौन सी दल का, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में 1993 में किसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था जो कि एस्पल हो गया था, ये न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 8,598 किलोमीटर सॉरी मीटर। और नेक्स्ट आपका है कि असंगत की पहचान करें, भारत के अलग अलग भूभाग पर भूभाग है 10.5% क्या सही है, सही है।
पहाड़ी भूभाग 18.6% क्या सही है? सही है। मैदानी भूभाग 39.13 16 है, सही है, गलत है, क्योंकि ये 43% है और पठारी भूभाग 27.5 है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहां पर बनी हुई है? देहरादून में बनी हुई है, तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, लेकिन इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं और शुरुआत इसकी 2011 से हुई थी। अगला कि लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों से संबंधित है, किससे जुड़ी हुई प्रथा है? तो लीला मौर्य संस्कार एक्चुअल में एक विवाह से संबंधित प्रथा है, एक आपका राइट आंसर। संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसका आयोजन प्रदर्शन दिन में किया जाता है, कौन सा? गौरी लोक नाट्य का होता है। अगला कि कौन सा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है? तो हाथी मैना नृत्य आदिवासियों में होता है विवाह के टाइम पर, यह हाथी मैना नृत्य भी है, हाथी मैना एक परंपरा भी है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? राजस्थान का कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? ये तो कामण लोकगीत है, तो सी आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कि गांव गांव खेजरी गांव गांव गोगो, ये कहावत जिस संत के बारे में, जिस लोक देवता के बारे में है, उनका जन्म कहां पर हुआ था? यानी गोगो जी जिनका ददरेवा चूरू में जन्म होता है, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संस्कृत कवि राजशेखर जी किसके दरबार में थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में थे और ये महीपाल के दरबार में भी रहे थे। काव्य मीमांसा कपूर मंजरी आपको ग्रंथ याद होंगे, महीपाल है ये, गुजर प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं। अगला कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी की कला राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर में, और ये मानसी के टाइम पर आई थी, उसी टाइम पर ब्लू पोटरी भी लाई गई थी। नेक्स्ट है कि बाड़मेर की प्रसिद्ध मलीर प्रिंट कौन से रंगों का यूज किया जाता है? मलीर प्रिंट में लाल और कथी रंगों का यूज होता है, ठीक है। अजरक प्रिंट भी है वहीं पर, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों ही कहां पर है? बाड़मेर में है। और सांगानेरी प्रिंट बगरू प्रिंट है जयपुर में। नेक्स्ट है कि वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मृदा शिल्प यानी टेराकोटा पद्धति के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव प्रसिद्ध है। कहां पर है मोलेला गांव? मोलेला गांव राजसमंद में आ जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि दंगा और मोरखा क्या है? दंगा और मोरखा यानी जो गोरबंद भी है, जो पिलान भी है, ठीक है, ऊंट की सजावट की वस्त्र में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कितने आपने सही किए हैं कमेंट करके अपनी ईमानदारी के साथ बता देना। पीडीएफ कहां से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? टेलीग्राम चैनल का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ जितने भी आज तक हमने टेस्ट किए सारे आपको यहीं से मिलेंगे, राइट। इसके अलावा वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसे ही सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज हम रोजाना करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और डेली 8 बजे हम रोजाना सुबह करंट अफेयर कवर करते हैं। ये करंट अफेयर की सीरीज जो है ये भी सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है ताकि लास्ट एक साल का जो है, पूरे एक साल का करंट अफेयर जो है वो पूरा कवर कर सके, राइट। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।